पाँच किलो राशन कहने के ये जुमले हैं। किसान पिछले 10 सालों में और ठगा गया है। 5 किलो राशन देने से हमारे गांव या देश का विकास नहीं हो सकता है। बेरोजगारी और महंगाई इस चरम सीमा पर चढ़ गई है। अपने बदलाव चाहते हैं कि यही सरकार चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहिए साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आने वाले दिन में चाहते हैं कि मोदी सरकार बने और बढ़िया से बढ़िया और विकास हो, सरकार बदलाव हो और बेरोजगारी खत्म हो और महंगाई खत्म हो। भेड़ का बाल कतर करके उससे कंबल बनाया जाए और फिर भेड़ को ओढ़ाया जाए, वही हमारे समाज की हालत है इस समय। गांव के लोग से मैं अपर्णा, आज हम आए हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के मऊ विधानसभा के साहूपुर गांव में। 2014 में इस लोकसभा से एक बार ही भाजपा का प्रत्याशी जीता था, अधिकतर बार बसपा के प्रत्याशी यहां से जीते हैं। हम जानेंगे कि किस पिछले 10 सालों में जो सरकार केंद्र में है उसके बारे में यहां के लोग क्या सोचते हैं, आने वाले दिनों में वो वही सरकार चाहते हैं या सरकार में बदलाव चाहते हैं, और क्या विकास हुआ और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे, कौन सा चुनावी एजेंडा है जिसको ध्यान में रखते हुए वे वोट डालेंगे। आपका नाम क्या है? प्रेमचंद राजभर। क्या करते हैं आप? बस किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, तो किस तरीके से चल रहा आपका काम? चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इन 10 सालों में जो विकास हुआ या जो चीज़ें आपको देखने मिली उस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मतलब किस तरीके से? अच्छा सोच रहे हैं, हमको अच्छा मिला है, हर चीज़ अच्छा मिला है। मान लीजिए कि किसान के लिए पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है आपको? 2000 मान लीजिए कि तीसरे महीने का मिलता है। हर तीसरे महीने 2000 मिलता है। मान लीजिए कि राशन का भी मिलता है, सड़क राशन कितना मिलता है? राशन वही मिलता है यूनिट के हिसाब से, 35 किलो मिलता है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता। क्या करते हैं आप? सर हम तो वैसे गाड़ी उड़ी चलवाते हैं। 1 तारीख को आप वोट डालेंगे जी, तो किन एजेंडे को या किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट डालेंगे? विकास हुआ है मोदी सरकार में, शिक्षा का विकास हुआ है, तमाम रोड बने हैं, लाइट की व्यवस्था बढ़िया है। इसके पहले सरकारें थी हम लोगों के 6 घंटा 8 घंटा बिजली मिलती थी, आज 18 घंटा 20 घंटा बिजली पा रहे हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहना? शिक्षा महंगाई तो भाई देखिए, महंगाई तो कुछ बढ़ी है, लेकिन उस दायरे से देखा जाए तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो आने वाले दिनों में और क्या उम्मीद करते हैं? आने वाले दिन में चाहते हैं कि मोदी सरकार बने और बढ़िया से बढ़िया और विकास हो। मेरा नाम तीरथ राजभर है। क्या क्या करते थे? हम तो ड्यूटी करते थे कोल फील्ड में, कोल इंडिया में। अच्छा, कोल इंडिया में तो रिटायर हो चुके हैं हम, रांची में थे। अच्छा, रांची में थे। तो हमारे उद्देश्य से ई सरकार में तो कमी है, बहुत कमी है। जो सरकार जो है कि पहले की पीछे की सरकार थी, 1900 में जो है कि आपका राशन भी चालू वही की और पेंशन वही लागू की, कोल इंडिया में पेंशन नहीं था, वही लागू की। और बेरोजगारी और महंगाई इस चरम सीमा पर चढ़ गई है। अब बच्चों का शिक्षा जो है कि शिक्षा दिला करके, हमने तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, हर प्रतिमाह जो है कि 3000-4000 रुपया लगता है फॉर्म भरने में। ये बताइए ये सरकार क्या कर रही है? पेपर जो है कि बच्चे आते हैं पूरे इंडिया से देने आते हैं, लीक हो जा रहा है पेपर, इनके ई में क्या हो रहा है? बच्चों को जो पढ़ा रहा है वो जानना है कि बच्चों में क्या खर्चा लगता है। महंगाई, राशन तो नहीं, यही नहीं तो नहीं दिए राशन, तो कांग्रेस सरकार ने लागू किया, उन्हें सोच कितना में जो कि लागू किया। और किसान निधि 2000 जुमला जो है कि 2000 किसान निधि देते जाते हैं, और किसान का देखिए MSP जो है कि किस तरह जो है कि किसान आंदोलन किया, लोग किया नहीं किया, इनको बाध्य होकर के जो कि वापस लेना पड़ा सरकार को। और ये कहते हैं कि उज्ज्वला, हमारे माताएं बहने बोलते हैं कि माताएं बहने कितना गैस लगता था ये बताइए, धुआं से कितना आंख अंधा होता था, उससे तो ज़्यादा अभी हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आने वाली? बदलाव चाहते हैं हम लोग। मेरा नाम रामबदन पाल है, पेशा से मैं एक टीचर का काम करता हूँ पढ़ाने का। कहाँ पढ़ाते हैं? यहीं आपके बगल में हल्दलपुर थाने पर कोचिंग भी है। सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन वो प्राइवेट पढ़ाता हूँ। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज, उसमें पढ़ाते हैं। नौकरी नहीं मिला तो अब उसके हिसाब से क्या किया जाए, कुछ तो करना है जीने के लिए ना। अभी इलेक्शन है, बदलाव चाहेंगे कि वही सरकार? हम लोग तो चाहते हैं कि बदलाव हो। क्यों चाहते हैं बदलाव?
क्योंकि शिक्षा विभाग से मैं उठा रहा हूँ। शिक्षा विभाग में रहने से मैं जिस तरह हम लोग पढ़ाई लिखाई किए और आज के जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें बहुत मैंने हमको नहीं पसंद है। कमी का मतलब जो सिलेबस लॉन्च किए हैं नई शिक्षा नीति के आधार पे, जिस तरह हम लोग पढ़ाई किए जिस तरह पढ़े वो चीज़ अब नहीं रह गया है। अब ये बच्चे ये सब पढ़कर और चाहें कि आगे बढ़िया से तैयारी करके कहीं फॉर्म डाल के अपना नौकरी पाएं, नहीं पा पाएंगे जो आज का सिलेबस चल रहा है। तो मैं तो चाहूँगी सरकार का परिवर्तन हो। मेरा नाम हरे नाम राजवर है। क्या करते हैं आप? मैं खेती से जुड़ा हूँ। खेती किसानी करते जी जी। तो जो खेती किसानी आप करते हैं उससे आपको परिवार आराम से चल जाता है? हाँ, जो मैं करता हूँ उससे तो चल जाता है, मगर जो चाहिए वह नहीं चल पाता है, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ी है, महंगाई से मैं अपना पेट तो पाल सकता हूँ मगर बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए उस खेती के माध्यम से हम नहीं दे पाते हैं। आप जितना खेती किसानी में लगाते हैं क्या वो पर्याप्त है? नहीं, वह तो पर्याप्त नहीं है। आज जिस तरह महंगाई बढ़ी है, खाद बीज उर्वरक के दाम बढ़े हैं, जितना हम खेती में लगाते हैं उतना उपलब्ध हमको नहीं हो पाता, मगर हमारे पास बेरोजगारी है, इसकी वजह से मजबूरी में हमें खेती करनी पड़ती है। पिछले 10 सालों में आप क्या बदलाव देखते हैं? पिछले 10 सालों में कोई बदलाव तो इस सरकार में दिखाई नहीं दे रही है। 5 किलो राशन देने से हमारे गांव या देश का विकास नहीं हो सकता है। नौजवानों को अगर रोजगार मिलेगा वो अपने पैरों पर खड़ा होंगे, जब खड़े होंगे तो उनकी सोच बदलेगी। क्या नाम है आपका? राम शब्द। क्या काम करते हैं आप? क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी करते हैं तो वो बढ़िया चल रहा है? किसी तरह चल रहा है। खेती से कौन हटता है? इतना महंगाई हो गई बा कि सब्जी खरीदल, दाल खरीदल, तेल खरीदल मुश्किल है ना बा। 5 किलो राशन से क्या काम चली? तो आप क्या चाहते हैं, राशन बंद हो जाए? राशन बंद हो जाए? 5 किलो राशन से किसी का तो विकास होगा नहीं। राशन बंद कर दें, ओकर दूसरा काम करें वो। और 10 साल में आप क्या देखे? 10 साल में यही देखे हैं कि जो जितना गरीब है ना, एकदम से गरीब हो जा रहा है ना। हर चीज जो है सरकारी संस्था को बेच दिए हैं, है ना। और जब बेच दिए हैं तो उसमें आरक्षण कैसे लागू होगा? जब प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण लागू होगा, सरकारी रहेगा तब तो आरक्षण लागू होगा। क्या नाम है? उमेश यादव नाम है। बीएड करके आदमी बेरोजगार बैठा है। 10 साल में कोई वैकेंसी आई है? पिछले 10 साल में जो हुआ है जी, उस पर क्या आपका मत है या क्या विचार है? ये सरकार मतलब 10 साल में जितना पीछे गई है उसका कोई हिसाब रिकॉर्ड नहीं है। मुद्दों को देख लीजिए, खाली 5 किलो राशन देंगे तो उससे तो होगा नहीं, ये बताइए। बहुत सारे लोग तो खुश हैं। अरे जो खुश हैं वो खुश होंगे, लेकिन शिक्षित वर्ग को उठा के देखिए, कोई खुश है? जो जितना गरीब था उससे अधिक गरीब हो गया। क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है? चंद्र प्रकाश राजवर। आप बहुत युवा दिख रहे हैं, तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई हो चुकी है? जी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में हैं? अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कौन से विषय? बीए भूगोल से। बीए भूगोल से कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज है, क्यों गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन लिए? गवर्नमेंट कॉलेजों की जो स्थिति है इस समय, शिक्षा में कोई बदलाव नहीं है, शिक्षा करने लायक ही नहीं बची है। और कुछ क्या? अच्छा, आप वोटर हैं? जी वोटर हैं। इसके पहले कितने बार वोट दे चुके हैं? जी एक बार वोट किए हैं। अब ये दूसरी बार? जी दूसरी बार ये। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं या किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? बदलाव तो हम भरते बहुत चाहते हैं इस सरकार से, क्योंकि जो शिक्षा है उसमें सबसे ज़्यादा बदलाव चाहते हैं। गरीब तबका अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, किसान अपने बच्चों को पढ़ाने में एकदम परेशान है, किसान के परिवार का जो भी है फल पूर्ण करना भी मुश्किल हो चुका है। 5 किलो राशन कहने के ये जुमले हैं, 5 किलो राशन देने से किसी की जीविका नहीं चल पा रही है। बहुत लोग मुद्दे उठा रहे हैं कि सरकार किसान निधि दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें रोज़गार चाहिए, युवा पीढ़ी को रोज़गार चाहिए। शिक्षा में जितनी भी सरकार भर्तियां ला रही हैं वो कहीं ना कहीं निरस्त हो जा रहे हैं, लीक हो रहे हैं पेपर। क्यों लीक हो रहे हैं? सरकार को इसको इस पर विचार करना चाहिए। हम युवा आज बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं अरविंद मूर्ति हूँ और इसी गाँव का निवासी हूँ, साहूपुर का।
मैं तो मार्जिनलाइज फार्मर हूं और कुछ सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करता हूं, बाकी समय जो है कुछ लिखने पढ़ने का भी काम करता हूं। अच्छा, जी, तो आप जो किसान हैं, तो किसानों की क्या स्थिति पिछले 10 सालों में आप देख पा रहे हैं? देखिए, आप तो एक पढ़े लिखे हैं और सामाजिक से जुड़े भी हुए हैं, तो आप बेहतर तरीके से समाज को देख पाते हैं, किसानों की स्थिति को देख पाते हैं, हम चाहेंगे कि आप। देखिए, नीतिगत रूप से किसान पिछले 10 सालों में और ठगा गया है। जो उसको सरकारी संरक्षण खेती को मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला है। जितनी बड़ी बड़ी बातें करके पिछली सरकार बनी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात की, अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ले आई, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाई। एक टोकनिज़म की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई देश में 14 में, और उन्होंने एक 2000 रुपये की और कुल मिला के 6000 रुपये की जो पीछे ममता बनर्जी अपने राज्य में दे रही थी, जबकि वो 10000 दे रही थी साल में, लेकिन उसी को इन्होंने 6000 रुपये के रूप में ले आके काफ़ी लाउडली अपने प्रचार तंत्र से ले आए। लेकिन आज भी खेती घाटे का सौदा बना हुआ है, और हम लोग तो मार्जिनाइल फार्मर हैं इसलिए कभी उसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन कि खेती हम लोगों को मुनाफा देगी। लेकिन जो बड़े किसान हैं उनके लिए भी आज खेती एक तरीके से गले का फंदा बनी हुई है, और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में भी देखते हैं और भारत में भी, कि खेती को बिना संरक्षण के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जनता तो बदलाव का मन बनाई हुई है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का जो सांगठनिक आधार है वो बहुत कमज़ोर है। जनता के बूते विपक्षी पार्टियां चुनौती दे रही हैं एक ऐसी पार्टी को जिसके पास सत्ता है, मशीनरी है सरकारी, और पूंजीपतियों का अगाध पैसा है। तो इससे हम लोग तो बिलीव करते हैं, पर इन कामों को करते हुए, कि अंततः जनशक्ति ही इसका मुकाबला करेगी, तो ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है? दीना नाम। क्या करते हैं? किसानी का काम करते हैं, खेत का बुआई जुताई। अच्छा, आपका अपना खेत है? हाँ, थोड़ा बहुत है। तो अभी क्या लगा खेत में? धान का बीज डाले हैं। वोट डालना 1 तारीख को आपको? हाँ, डालेंगे ना। हाँ। तो क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि फिर से ही सरकार चाहते हैं? अब ना ही बदलाव तो हो जाए, बदलाव चाहता है। क्यों बदलाव चाहते हैं? ये सरकार में क्यों कोई सुविधा बढ़िया नहीं है, घाटा ही घाटा है। अच्छा। 10 साल में कहीं काम धंधा मिल ही नहीं रहा है। मोटा काम हम लोग करते हैं, मोटा ही काम है नहीं है, तो क्या मजदूर ना है हम लोग, तो इसलिए मोटा ही काम हमको मिलता है, वो भी बंद है, वो भी नहीं मिलता है करने के लिए। 5 किलो राशन तो मिलता है, 5 किलो में वो 3 किलो गायब हो जाता है, चूहा खा जाता है बीच में। क्या नाम है? जी, दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल घर पे हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। पढ़ाई किए हैं? हाँ, पढ़ाई किए जी, 10+2 और ITI किए हैं। ITI किस स्टेट से किए हैं? फीटर से। तो कितने साल हो गए आपको ITI किए? लमसम हो गया 2019 का पास किए हैं हम। अच्छा, तो आप कभी कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किए? अप्लाई तो किए थे, बट हुआ ही नहीं, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और एक बार गए थे गुजरात में मारुति सुजुकी में 7 मंथ अप्रेंटिस किए, उसके बाद फिर वो निकाल दी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखती थी वो कंपनी। तो अभी कोई वैकेंसी नहीं आई आपके की? नहीं, अभी तो नहीं आई फिलहाल। तब आप खेती बाड़ी कर रहे हैं? हाँ। तो खेती बाड़ी करना कैसा लगता है? जीविका चलाने के लिए तो करना पड़ेगा, अच्छा तो नहीं लगता है फिलहाल। कुछ तो, खाने पीने के लिए जो खेती बाड़ी तो करना पड़ेगा ना। हाँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? अभी तो फिलहाल 7 लोग हैं। किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालना जरूरी है? वोट डालना तो जरूरी है, लेकिन सरकार बदलाव हो और बेरोजगारी खत्म हो और महंगाई खत्म हो, ताकि युवा को रोजगार मिले। और यहाँ पूर्वांचल में जो कल कर खाने बंद है वो चालू किया जाए, ताकि हम लोग युवा को रोजगार मिले। क्या नाम है? जी, मेरा नाम दीपक राजभर है। कितने उम्र है आपकी? जी, मेरी उम्र अभी 21 साल है। तो आप इसके पहले वोट डाले हैं? जी, एक बार मैं डाला था बस। अच्छा,
अच्छा, ये दूसरी बार मेरा पहली बार है कि क्या सोचकर आप वोट डालेंगे? जी, मेरा उत्सुकता और मेरा ये सोच है कि हम लोग का जो भविष्य है वो अब थोड़ा सुधरे। 10 साल सरकार के आप किस नज़र से देखते हैं? अब देखिए जी, ये सरकार जो थी अच्छी है और अच्छी रहेगी। हाँ, कोई इसमें कोई वो नहीं है, जो काम नहीं होना था वो काम हो चुका है सरकार में। क्या जैसे? जैसे कि वो राम मंदिर का सबसे बड़ा काम था। अच्छा जी, तो ये काम बड़ा था, इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा का मतलब ये है कि लोग पूजा पाठ में आस्था वो रखते हैं बस, ज़्यादा और क्या। नहीं, आप बोल रहे हैं कि हम थोड़ा समझने लगे, चिंतित हो गए हैं। तो जी मतलब कि तो ये राम मंदिर बना है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? फायदा का मतलब आपको व्यक्तिगत मेरा फायदा बस। क्या फायदा है ये पूछ रहे हैं? मतलब मेरे मन में आस्था था जी। तो आस्था आपके जीवन को चला लेगी? जी चला तो नहीं लेगी, लेकिन कोशिश करेंगे बस। आस्था से कैसे कोशिश? कोशिश का मतलब कि मतलब पूजा पाठ भी करेंगे और भविष्य में जैसे अब फिर मेरी सरकार जो आ जाएगी तो हम लोग अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे, थोड़ा आस्था भी रहेगा, थोड़ा लाइफ के बारे में, थोड़ा काम धाम के चक्कर में ये सब। अभी जो पिछली सरकार थी 10 साल जो थी, उसमें आपको क्या खास लगा या क्या कमी लगी? सरकार में बहुत कमी या बहुत बढ़िया कोई काम हुए। फ्री का राशन 5 किलो मिलता है। पिछली सरकार में क्या काम खराब हुआ? खराब क्या हुआ, कुल घर के बच्चे लोग सब हैं, पढ़ कर घूम रहे हैं, न कोई हाल है, न रोजगार है, न कुछ। बच्चे पढ़े हैं? जी, इंटर कर ATI किए हैं। अच्छा, तो उनको नौकरी नहीं मिली? 5 मिनट अभी टाइम दो। तो आप चाहते हैं उनको नौकरी ये सरकार नहीं दे पाई? तो क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से? अब आने वाली सरकार देखिए क्या करती है, तो उसकी मर्जी। चाहते हैं कि ये सरकार चाहते हैं? विशेष रूप से तो बदलाव चाहते हैं। हमारा नाम है श्री बसंत प्रसाद, हमको लोग कहते हैं आप कागजी नाम बरसाती राम है। ऐसा नाम क्यों अलग अलग है जी? नाम एक बरसाती राम और एक बसंत कुमार। हाँ, तो जो बरसाती राम नाम है। हाँ? मैं अनुसूचित जाति का हूँ। हाँ? और उस समय हमारे समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जब मैं प्राइमरी स्कूल में गया, मेरी उम्र इस समय 79 वर्ष हो रही है, तो अशिक्षा थी हमारे वर्ग में, हमारे समुदाय में। तो मास्टर साहब की ये सोच है, सद्बुद्धि है कि बसंत प्रसाद से मेरा नाम जो है बरसाती राम लिख दिए, जो ब्रह्मरेख हो गया और वही नाम आज तक चलता है। गांव में हमारे मित्र वगैरह लोग हमको बसंत प्रसाद कहते हैं। क्या मंशा रही होगी उनके नाम बदलने की? उनके नाम बदलने की सिर्फ एक मंशा थी कि यह अनुसूचित का लड़का है, इसको किसी तरह से डोमिनेट किया जाए। मतलब रण बहादुर सिंह, विजय बहादुर सिंह, रंगभूंग सिंह नाम अच्छे लोगों का रखा जाता है, और चमार और सियार बाग तो होगा नहीं, यही मंशा थी उनकी। जो अभी पिछले 10 साल BJP की गवर्नमेंट रही है, उसकी जो सोशल इंजीनियरिंग रही है, उससे आपके समाज को क्या फायदा हुआ और कहाँ तक पहुँचा आपका समाज? भेड़ का बाल कतर करके उससे कंबल बनाया जाए और फिर भेड़ को ओढ़ाया जाए, वही हमारे समाज की हालत है इस समय। आप क्या बदलाव चाहते हैं कि यही सरकार चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहिए साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो नई सरकार आएगी उससे क्या उम्मीद है आपको? और एक तो नहीं गिनाया जा सकता, मगर ये उससे उम्मीद की जाती है कि इससे बेहतर वो सरकार होगी जो आएगी, वो बेहतर होगी। तो एक मदारी वाला एक साइकिल का टायर फैला दिया और उसके अंतिम सिरे को यूँ कर दिया, ईंट लगा करके यूँ कर दिया, और वो लगा तारीफ करने की, यह टायर अभी सर्प बनेगा, नाग बनेगा, बड़का काला नाग बनेगा, और यह चलेगा, फुफकारेगा, इधर दौड़ेगा, उधर दौड़ेगा खूब। इसके बाद पोटली से दवा निकाला, दवा बेच लिया, तब तक दूसरा मदारी पहुंचा, वो कहा कि ये साला क्या इस टायर को नाग बनाएगा, नाग तो मैं बनाऊंगा, गहुअन सांप बनाऊंगा, नाग बनाऊंगा, नागिन बनाऊंगा, ये साला कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। दूसरा वाला भी आया और पहिरका वाला चला गया, वो भी यही किया और अंत में आधे में पहुँचते वो भी दवा बेच लिया। वो टायर ज्यों का टायर ही रह गया, नाग नहीं बना, न चला, न फिरा, न फुफकारा,
वही हालत आज के मदारियों का है, जो नेता है वो उन मदारियों का आज यही काम है कि नाग बनाऊंगा, और नाग वो बनेगा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, सब झूठा है, सब ख्याली पुलाव है। सबीता, सबीता आप इस साल वोट डालेंगी? जी। तो जो पिछले 10 साल की सरकार है उसमें कोई बदलाव चाहती हैं या इसी सरकार को चाहती हैं? नहीं, बदलाव चाहते हैं। ऐसे बदलाव चाहती हैं तो क्यों बदलाव चाहती हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए, और हमारे लिए नहीं बाकी हम सबके लिए कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा नया दिखाने को मिले। और पिछली सरकार में आपको क्या ऐसा लगा था कि जो सही नहीं है? सही, अरे जो अपने नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए यही लोग मानेंगे ना को नहीं कुछ सही लग रहा है, कुछ बन भी रहा है। शिक्षा है, महंगाई तो है, महिलाओं की सुरक्षा है, किस बात को लेकर आप? नहीं, महिलाओं की सुरक्षा तो है ही है, फिर भी अभी कुछ कमी है, तो हम सोच रहे हैं कि ये नया सरकार आएंगे तो कुछ तो कर भी करेंगे। महंगाई को लेकर आप क्या सोच? महंगाई के लेकर सबके लिए, हमारे लिए नहीं सबके लिए प्रभाव पड़ रहा है ना। यहाँ पर त्रिकोणी मुकाबला है, एनडीए से डॉक्टर अरविंद राजभर, इंडिया से राजीव राय, और बसपा के प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान। राजभर बहुल इलाका है ये, और यहाँ पर लगभग 5 लाख दलित वोटर्स भी हैं।